लहराएंगे, 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 लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? बाप चला, सर गाली दीजिए। आपकी माफी कबूल हमें नहीं है, और माफी भी आपने मांगी है तो आपने कहा है कि अगर आपके व्यवहार से हमें कष्ट हुआ है तो हमें माफ कर दें, और उसकी बाद आपने उसमें और भी जोड़ दिया है कि आप 4 बार के MLA हैं, दबंगई से तो नहीं जीते हैं, ये आप ही कह रहे हैं। अब आप दबंगई से जीते हैं या जनता के वोट से जीते हैं, ये तो प्रशासन का मामला है, लेकिन ये माफी में भी अगर कहां से आ गया? यदि आपको माफी मांगनी है तो आप सीधा कहते कि हमें माफ कीजिए, हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, और आप उसी जगह आकर कहते जिस जगह पर आपने तमाम मीडिया के पत्रकारों को गाली दी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने घर से एक वीडियो बनाई, और शायद जब आपने ये देखा कि जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दफ्तर का मतलब पार्टी के जदयू के दफ्तर में जिस समय मौजूद थे, और उसी समय आपने ऐसा पत्रकारों के साथ व्यवहार किया, और घर से फिर जाकर आपने माफ़ी मांग ली कि अगर हमारे व्यवहार से आपको कष्ट होता है तो आप हमें माफ़ कीजिए। कष्ट हमें नहीं हुआ है, हम इसके सुनने के आदि हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज के चौथे पिलर हैं, और हमारा काम ही है कि आपकी बातों को जनता तक पहुंचा देना और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचा देना, सरकार की योजनाओं को जनता के यहाँ पहुंचाकर उसे भली भांति बता देना कि बिहार की मुख्यमंत्री की ये योजनाएं हैं जिसका लाभ जनता ले सके, और सरकार जनता की बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना कि जनता ये आपसे ये अपेक्षा रखती है। कष्ट हमें नहीं हुआ, कष्ट हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री को हुआ है, और उनके नाराज़गी को देखते हुए ही कहीं ना कहीं आपने माफ़ी मांगी है। जी हाँ गोपाल मंडल, आपने जो माफ़ी मांगी है बड़ी सहजता से मांग ली है, और अगर शब्द लगा के कहा है, गाली आपने दिया, माफ़ी आपको मांगनी ही थी, लेकिन माफ़ी आपने अपने बंद कमरे से मांगी। माफ़ी आपको उसी जदयू कार्यालय के पास आकर पत्रकारों से कहना चाहिए कि ठीक है, भावना में आकर, आवेश में आकर हमने कुछ ऐसे शब्द कह दिए हैं और उन शब्दों को हम वापस लेते हैं, इसके बाद ऐसी बात कभी नहीं होगी। और सबसे बड़ी माफ़ी मांगने का कारण भी आपका है, क्योंकि जो सीएम बिहार के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो हमेशा जो हैं प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि आप ही लोग हैं लिखने वाले, दिखाने वाले, छापने वाले, और आप लोग पर बंदिशें लगाई जाती हैं। यदि हमारी सरकार आती है और आएगी तो हम सबसे पहले आप लोगों को छूट देंगे, ये बिहार के मुख्यमंत्री की सोच है कि लिखिए आप उनकी भी गलतियां लिखिए। और वास्तव में ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक चीज़ों पर नज़र रखते भी हैं, कि यदि किसी पेपर में उनके सरकार के, उनके अधिकारियों के बारे में कुछ छपता है तो वो एकदम व्यक्तिगत रूप से उस पर संज्ञान ले लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेने के बाद उस पर वो कार्रवाई भी करते हैं। कल जो आपने बट्टा लगाया है उनकी शाख पर, इसे धुलने में बड़ा समय लगेगा गोपाल मंडल जी, और नीतीश भी बातों को इतनी जल्दी नहीं भूलते हैं। नीतीश कुमार आज से 15 साल पहले किसी योजना को बनाए थे,
किस फाइल पर दस्तखत किए थे, किस व्यक्ति के लिए कौन सा आदेश दे दिया था, ये भी उन्हें याद रहता है। और इसकी वानगी हम लोगों ने बहुत बार देखी है जनता दरबार में। हम कुछ ऐसा दुर्व्यवहार पत्रकार के साथ नहीं किए हैं। हम डांटे अपने आदमी को, और अगर हमरे बात विचार से कोई को किसी को किसी पत्रकार को कष्ट होता हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 4 बार चुनाव जीत के आया हूँ और पब्लिक के आशीर्वाद से, ऐसा नहीं कोई दबंगई से, और ये बात नहीं है। हम किसी को कुछ बोलवे नहीं किए, अगर बोले हैं उनको सुनाई पड़ा कि हमको बोले हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम आज अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पार्टी ऑफिस गए। वहाँ जाने के बाद पत्रकार ने हमसे पूछा, गोपाल मंडल जी आप भागलपुर अस्पताल में रिवॉल्वर लहराते, हमने इसी कोई बार मानसा नहीं, हम सारी कहानी उनको सुना दिए, ये बात है। तो वो माइक टाइक से हमको चोट लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। हम बोले अपने पोती के इलाज के लिए गए हुए थे और वहाँ पर हम रिवॉल्वर खोसे हुए थे, कमर में स्लिप कर गया, धातवा में ले लिए, अब किसी को देना भी नहीं था, हाथ में इसे इस टाइगर पर नहीं बल्कि पकड़े हुए थे, ये हम किए। और उसके बाद वही बात बोले तो बोला कि आप लहराइएगा अथी, तो हमारा वो माइक से चोट लग गया, सब कुछ लग गया हमको। तो हमारा आदमी, हमारा एक ही बॉडीगार्ड था, 3 बॉडीगार्ड में, ये पीए था तो ये हटाने का काम कर रहा था। हम अपने आदमी को बोले वैसे क्यों करते हो, पत्रकार से हमको बात करने दो, ऐसी कोई मानसा नहीं है, किसी को मैंने गाली नहीं दिया है, अब कहीं कोनो अब शब्द नहीं बोले हैं, हम अपने आदमी को डांटे हैं, हमको बात करने दो, ये कहानी है, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं। खैर भला देर से आए, यदि नीतीश कुमार की नाराज़गी से ही आपने माफ़ी मांगी हो तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी जदयू कार्यालय आकर, तब हमें लगता कि जी। और आप अगर नहीं लगाए होते, आप 4 बार अपनी विधायकी का रौब नहीं दिखाते अपने उस माफ़ीनामे में, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने माफ़ी मांग ली। अब देखना ये होगा कि ये पार्टी का भले मामला है, लेकिन आप जैसे विधायक के कारण बार बार बिहार के उस सोशल इंजीनियरिंग वाले मुख्यमंत्री की जो साख पर बट्टा लगता है, वो कितने दिन आपको ढोते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।